हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। आपको स्वागत है डिफेंस डीसी में। तो आपको जैसा कि पता है कि हम सीडीएस की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहली वीडियो मैंने बताया सीडीएस को किस तरह से अप्रोच करना है। आपको वो वीडियो मस्ट वॉच है, उसको तो आपको देखना ही है, जो पहली वीडियो है। इससे पहले मतलब इससे फिर इसके बाद एक और वीडियो आई थी जिसमें मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई, अब मैथ की, इसके बाद जीके की। मैंने कहा था ना चार वीडियोज़ में कंप्लीट कर दूंगा स्ट्रेटजी, और ये बहुत ज़रूरी है। ये चार वीडियोज़ मतलब आपको लगेगा कितनी लंबी स्ट्रेटजी ये कवर कर रहा है, लेकिन देखा जाए ना ये चार वीडियोज़ ही आपकी आधी प्रिपरेशन है। पता तो होना चाहिए कहाँ से कौन सा टॉपिक फ्रेम पढ़ना है। कोई बुक की आपको जरूरत है नहीं, बताई चुका हूँ। तो बस आपको मुझे यही बताना है कि डिफेंस डीसी पे अगर आ गए हो ना, तो डिफेंस एग्जाम्स तो आपके सारे सारे हो जाएंगे। आप पूछोगे मैं कौन हूँ, मेरा नाम है दिनेश चौहान, मैंने एफकेट, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्सवाई, एनडीए सब के रिटन एग्जाम क्लियर करे हैं, और मेरा एम क्या है, मेरा एम है CAPFAC जो एग्ज़ाम है वो मैं इस बार देख के आया हूँ। उसका भी एक वीडियो लाऊंगा मैं कि मेरा पेपर कैसा गया, पेपर का पूरा एनालिसिस, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इस वीडियो में तो बेसिकली यही कर रहे हैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए मैं आपको चैप्टर बताने वाला हूँ, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा सीधे, टॉपिक टॉपिक कि ये टॉपिक आते होते हैं सिलेबस में, कहाँ से आपको पढ़ने हैं, और इतना आपको मैंने बता दिया। तो आपका हाथों से काम वेरी सिंपल है। आप अगर आपको प्रॉपर पता है कि भाई कहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, तो बस हो गया। तो भाई इसका आप देखो, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपने बोला भी है कि पूरे CAPF नेक्स्ट CAPF से पहले आपके पास पूरी जीके होगी इस चैनल पर, और ऐसी जीके ऐसे नोट्स कि बाहर आने कोई चांस नहीं है, आपका एग्जाम क्लियर होना ही है अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, ठीक है जी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। देखो मैं कभी बोलता नहीं हूँ लाइक करने का, तो आप लाइक नहीं करते हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को भूल जाता हूँ, ये लाइक सब्सक्राइब वाली चीज़ें, तो आप खुद ही कर दिया करो यार। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि और लोगों के पास दिखती है उनको अपने यूट्यूब में, तो ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ती है चैनल की। तो आप बस इतना ही समझ के लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेटजी कि मैथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स के एनालिसिस जब कर रहे हैं तो उससे पहले ये पता होना चाहिए मैथ में आता क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है बेसिकली। सीडीएस का बेसिकली सिलेबस पांच चीज़ों को कवर करता है, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन। देखिए बताता हूँ, मतलब अलजेब्रा अरिथमेटिक मतलब पता है आपको, देखिए अगर आपको कोई सीधा सीधा कोई क्वेश्चन करवा, 2+2 = 4, 4 × 6 = 24, तो ये सब चीज़ें आती हैं अरिथमेटिक में। लेकिन अलजेब्रा क्या होती है, आपको वेरिएबल मानने पड़ते हैं, एक्स वाई जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उसकी एज इतनी है, अपने बाप से चार नीचे चार ऊपर, तो आप मानते हो कि भाई पिता की एज एक्स, लड़के की एक्स प्लस फोर जो भी है, एक्स माइनस फोर, ये सब किस में आता है अलजेब्रा में। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आप जानते हो, ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का ही, ट्रिग्नोमेट्री किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा सिंपल। स्टैटिक्स में क्या है, मीन, मोड, मीडियन, और ये पाई चार्ट वगैरह, मतलब बहुत ही चिल्लर लेवल के क्वेश्चन इनसे आएंगे स्टैटिक्स से। आपको सारा स्टैटिक्स करके जाना, बताऊंगा कहाँ से करना है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जानते हो ना, सर्कल और रेक्टेंगल, इन सब का एरिया, क्यूब का वॉल्यूम, ये सब चीज़ें जो है ये मेंसुरेशन में ही आ जाती हैं। तो ये पांच, एक ब्रॉड आइडिया ये है कि ये पांच टॉपिक में बटा हुआ है पूरा सीडीएस का सिलेबस। और देखिए ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतना क्लैरिटी से आपको कोई बता सकता है यूट्यूब पर। मुझे पता है कि डिफेंस एग्ज़ाम और वो भी एफकेट सीडीएस जैसे एग्ज़ाम, क्योंकि ये मैंने किया कि अभी अगर एक बार मेरा CAPF हो जाए तो मैं लिखने लग जाऊँगा, कि मेरे CAPF का भी मुझे पता है, पता चल जाएगा कि क्या है CAPF का अंश जिससे आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो देखिए अब एक एक करके बात करते हैं कि आपको अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन कहाँ से पढ़ना है, ठीक है जी। सबसे पहले किसी भी टॉपिक का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूँगा आपको मेन कंटेंट कहाँ से देखना, देखिए जो भी मैं बताऊँगा वो बताऊँगा यूट्यूब से, और एक बुक, एक बुक वो कोई बुक नहीं है बेसिकली, वो सबके पास होती है, 10th class की NCERT, क्या कह रहा हूँ, 10th class की NCERT गाइस, 10th class की जो मैथ्स की जो बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, वही CDS में आराम से 60 नंबर मैथ में आराम से ला सकती है। मतलब क्वेश्चन तो आप और भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन टाइम जैसे आपकी स्पीड भी कम है, 60 नंबर आप आराम से ले आएंगे, जो कि इनफ है CDS को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है जी। अब देखिए जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। अब देखिए ज्योमेट्री का पार्ट, देखिए ज्योमेट्री में क्या है, लाइंस, एंगल, इसमें मेजर पार्ट जो है वो ट्राइंगल का है, थ्योरम ऑफ एंगल एट पॉइंट और बहुत सारी थ्योरम, ये सब कहाँ दिया हुआ है, ये 10th की बुक में एक ट्राइंगल वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये सब कवर हैं क्लियर कट आराम से, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, इसमें से आप कवर कर लोगे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीडीएस एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। कई सारी चीज़ें, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं 10th की NCERT में कवर है, और इसका बहुत, अब ज्योमेट्री का एक मेजर पोर्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोसाइन, टेन, कोट, कोसेक, सेक, ये जो सारी हैं, जब जिनका इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, वैल्यूज ऑफ साइन, टेन, मतलब अलग एंगल के लिए जीरो पर साइन की वैल्यू कितनी है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, इसी से आपके बहुत सारे कंसेप्ट हो जाते क्लियर। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
पता होना चाहिए आपको साइन स्क्वायर एक्स, ये तो मतलब आपको इतना मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और कितना बेसिक मतलब आप देखोगे ना, सबसे बेसिक लेवल पर जो कौन सी बुक लिखी जाती है, एनसीईआरटी से लिखी जाती है, मतलब एक बच्चा भी उनको समझ सकता है। आप तो वैसे भी ग्रेजुएट बंदे हो, सीडीएस दे रहे हो, आप अगर 10th की एनसीईआरटी खोलोगे उसमें इतना अच्छे से समझाया हुआ है कि आप कहोगे कि यार हमको पढ़ने की जरूरत नहीं थी टीचर से, क्योंकि आपने कभी ढंग से बुक को खोल के नहीं देखा था। असली बस रीजन यही था, वरना टीचर से समझने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे से एनसीईआरटी लिखी हुई हैं। सिंपल केसेज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ये ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद वाला चैप्टर होता है, हाइट डिस्टेंस ये करके जाना, ये लास्ट वाला जो है, इसके क्वेश्चन होते हैं दो तीन सीडीएस में, इसके दो तीन क्वेश्चन आएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रेवल जो होती है इसके, मतलब ये ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने मिलेंगे आपको। मैं जो बता रहा हूँ आपको 10th क्लास की जो एनसीईआरटी वो कर लेनी, और इनमें से जो भी कुछ टॉपिक दिखे आपको, आपको दिख रहा है कि आपको, देखो मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि 10th की एनसीईआरटी एनएफएस सीडीएस क्वालिफाई करनी, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि अच्छे नंबरों का हमेशा फायदा रहता है और ज़्यादा नॉलेज का भी हमेशा फायदा ही रहता है। तो आप 9th की एनसीईआरटी के टॉपिक देख सकते हैं, इनमें से कुछ टॉपिक अगर 10th में नहीं मिल रहे, 10th वाली जैसे ज्योमेट्री में नहीं मिल रहे, तो आप 9th की एनसीईआरटी खोल लो, उसमें एक आध टॉपिक देख लो। वैसे ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो 10th की एनसीईआरटी के ही आते हैं सीडीएस में। अब बात करते हैं स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स में देखिए जी, स्टैटिक्स में है क्या, स्टैटिक्स तो जो 10th क्लास की एनसीईआरटी का जो स्टैटिक्स है उसको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, ये सब कुछ है उसमें, ठीक है जी। स्टैटिक्स समझते हैं ना, सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले को बता दूँ कि माध्य, माध्यिका, माध्यक और बहुलक, ये जो चीज़ें होती हैं ये उसे बोलते हैं स्टैटिक्स या सांख्यिकी। ये तो आपको 10th की एनसीईआरटी से बात नहीं जाना ही नहीं है, और बस जाओ मत, मेरी बात मानो, आपको इसमें से इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे, और इतने ईजी लगेंगे ना आपको वहाँ सीडीएस के क्वेश्चन इसको करने के बाद, कि आप खुद कहोगे मुझसे आके सर जैसा आपने बताया था वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आए, स्टैटिक्स का काम हो गया, ठीक है। और बहुत मेजर पोर्शन है ये, खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उन 5 टॉपिक में से एक है ना स्टैटिक्स, जो मैंने 5 बताए थे कि ये 5 चीज़ें आती हैं सीडीएस एग्जाम में, उनमें से एक स्टैटिक्स है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीडीएस एग्जाम के लिए। और थर्ड चीज़ जो आपको 10th की एनसीईआरटी में कवर करनी है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रमिति, एरिया वगैरह निकालना, वॉल्यूम निकालना, ये सब मेंसुरेशन का ही पार्ट है। कैसे, एक कोण दे रखा है, कोण के चारों तरफ का एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं ना हिंदी में, मतलब तो जो भी कोण के एरिया होते हैं, एक सिलेंडर के जितने भी एरिया होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो सारे आपको निकालने आने चाहिए। उसे आपको कहाँ से पता चलेंगे, उनके फॉर्मूले, उनके बेसिक्स एनसीईआरटी से पता चलेंगे, 10th की एनसीईआरटी ध्यान में रखो, बस 10th क्लास की एनसीईआरटी पे ही रखे रहना है अभी तक तो। एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ये सब, और ये जितनी चीज़ें, वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, और ये इतना इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, मतलब एक स्पेयर का तो एक ऐसा क्वेश्चन आता ही है कि बड़े गोले को पिघलाकर छोटी गोलियाँ बना दी जाती हैं, उनकी रेडियस कितनी है, बड़े वाला जो स्पेयर था उसकी रेडियस कितनी है, कितनी गोलियाँ बन जाएंगी, ये सब आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन आपको 10th की एनसीईआरटी मिल जाएंगे। तो आपको लगेगा कि यार सीरियस एग्जाम के बनाने वाले क्या 10th की एनसीईआरटी देख के एग्जाम बना रहे हैं क्या, मतलब इस लेवल की इंपॉर्टेंट बुक है ये सीरियस के लिए 10th की, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि बच्चे को भी समझ आ जाए। तो आप तो ग्रेजुएट हो, आपको जरूर समझ आएगी, इतना मेरा भरोसा है। अब देखिए, अब आप बात करते हैं लास्ट में एलजेब्रा, और इसके बाद बात करेंगे अरिथमेटिक की। एलजेब्रा में देखिए क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन, एलजेब्रा मतलब जो जिसमें आपको एक्स वगैरह मानना पड़ता है, वाई माननी पड़ती है, ये सब चीज़ें, और भी एलजेब्रा में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पॉलीनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, उनके रूट्स, रूट्स में क्या रिलेशन है, रियल इमेजिनरी रूट्स, ये सब आपने पढ़ा होगा ना, काल्पनिक मूल हिंदी में वाले को बता रहा हूँ, और वास्तविक मूल, ये सब चीज़ें। तो अगर देखा जाए मतलब देखें, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि 10th की एनसीईआरटी में इसका सारा पार्ट तो कवर होता नहीं है, ये है इस वाले टॉपिक का, बाकी जो पहले 3 बता चुका हूँ उन वो सारे सारे 10th की एनसीईआरटी में ज़्यादातर कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। एक एलजेब्रा पूरा कवर नहीं होता है, एलजेब्रा के बहुत सारे पार्ट कवर हो जाते हैं, बेस्ट तो वो आपके लिए वही बहुत है, क्योंकि आपने इतना कर लिया, और अब जितना भी एनसीईआरटी कर लोगे ना उससे आपकी बेसिक नॉलेज इतनी हो जाएगी, आप इन क्वेश्चन को वैसे कर लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जैसे रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए आपको, वेरिएबल जो होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में x प्लस 5 का अगर डिवाइड करना है, भाग देना है, तो कैसे जाएगा भाग, क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, और रिमाइंडर की थ्योरम क्या होती है, ये सब बहुत अच्छे से कवर है एनसीईआरटी में, ठीक है जी, बहुत अच्छे से कवर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वगैरह, मतलब कुछ ही चीज़ें हो सकती हैं जिससे बाहर जाएँ, ठीक है। अब देखिए, अरे मैं कहता रहा हूँ आपको बस एनसीईआरटी में डटे रहना है यहाँ तक, तो अभी बताऊँगा आपको क्या आपको यूट्यूब से पढ़ना है, वो बताऊँगा मैं आपको क्या आपको यूट्यूब से पढ़ना है, उसके लिए वीडियो के एंड तक बनेगी। और देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत करके, सही बता रहा हूँ, इतनी अच्छे से रिसर्च करता हूँ कि कौन सा टॉपिक कहाँ दिया हुआ है, और कोई भी वीडियो इस चैनल पर फालतू नहीं मिलेगी कि बस टाइम पास के लिए बना दीजिए, टाइम पास तो मैंने आज तक कभी खुद के साथ नहीं किया, आपके साथ क्या करूँगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जी, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है जी, और वीडियो का शेयर भी कर दीजिएगा जब आपको दिख रहा है कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जब आपको दिख रहा है कि मेहनत की जा रही है और आप कर सकते हो हेल्प, तो उसको शेयर वगैरह कर दो, और तो कुछ नहीं है, और नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं मत करो, आप अपना लाइक करके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं अरिथमेटिक के बारे में, अरिथमेटिक के बारे में
कि अर्थमेटिक को आपको कहाँ से पढ़ना है। देखिए जी, अर्थमेटिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको वेरिएबल मानने पड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आपकी बेसिक समझ के लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसमें। और यही एक ऐसा पार्ट है जो आपको टेंथ के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इसकी ज़्यादातर ये चीज़ें, जैसे इसमें क्या आता है, स्क्वायर रूट हुए, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज वगैरह क्वेश्चन, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और डिवीजन एल्गोरिदम, और ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, दो से भाग देने पे क्या होता है, किस संख्या में दो से भाग जाएगा, किस में तीन से भाग जाएगा, पता कैसे करें, ग्यारह से भाग कौन सी संख्या में जाएगा, सात से भाग कौन सी संख्या में सकता है। तो ये बेसिक लेवल की चीज़ें आपको क्लियर कहाँ से करनी बताऊंगा, लेकिन क्लियर जरूर करके जानी है। देखो, छोड़ के कुछ नहीं जाना, क्यों छोड़ जाना, आप दिमाग सोचिए 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो मैंने टॉपिक बताए तो 100 तो टॉपिक भी नहीं है, टॉपिक कितने होंगे उसके, 30-40 टॉपिक हैं, तो हर से एक दो क्वेश्चन तो आते ही रहने, तो आपको करके जरूर जाना है सब कुछ, ठीक है जी। और इतने सिंपल लेवल की मैथ है, अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर जाओगे 100 में से 80 नंबर आराम से ला सकते हो। आपको ऐसा लगेगा, मैं बताता हूँ, आप अगर इतना पढ़ गया तो आपको आएगा तो पूरा पेपर ही आप पे, आपको ये तो लगेगा कि नहीं कि मेरी नॉलेज से ये क्वेश्चन आउट जा रहा है। लेकिन बात है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो थोड़ा टाइम कम नहीं पड़ेगा आप पे, 2 घंटे तो होते हैं, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है सीरियस का जो क्वेश्चन, थोड़ा सा इतना भी नहीं, तो मतलब अगर थोड़ी प्रैक्टिस आपने के लिए 80 नंबर ला सकते हो। और अगर आपने 80 नंबर ले आए मैथ में, इंग्लिश का जैसे मैंने स्टडी बताई कि 65-70 नंबर आ गए, फिर जीके की जो बताऊंगा 30वीं नंबर आ गए, अरे आपकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के अंदर ही आएगी सीडीएस में, रिकमेंड होने के बाद SSB से। अभी नहीं, वैसे तो मेरिट बनती नहीं है, रिकमेंड होने वाले बच्चों की तो बनती है, तो बहुत अच्छा रोल है मैथ्स का। अब देखिए, आपको करने कहाँ से, देखो इसके लिए ना आपको 10th, मैंने बता दिया कि 10th की बुक में है नहीं ये सब, आपको इसके लिए सारा लेना पड़ेगा यूट्यूब का, किसका, यूट्यूब का, यूट्यूब पर एक चैनल है टॉपिक स्टडी नाम से, कुछ भी आपको पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस, पीछे देखो टॉपिक स्टडी, और सर्च कर लो यूट्यूब पर। अब देखिए, टॉपिक स्टडी का नाम जो है ना, वो शायद बदल के वाईफाई स्टडी स्टूडियोज कर दिया है, शायद वो वाईफाई स्टडी वालों ने खरीद लिया है उसे, तो ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो जो आए वो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज नाम से चैनल पर आए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको देख लेंगे 15-20 मिनट की वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कुछ नाम है सर का, मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं मतलब बहुत पहले देखता था ये वीडियोस, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से ही, मतलब मुझे बहुत चाह रहती थी इन सब चीज़ों की, टाइम एंड वर्क ये सब होता क्या है, क्योंकि हमने बैसे तो मुझे आता नहीं था कभी, क्योंकि एकेडमिक्स में कभी नहीं पढ़ा मैंने टाइम एंड वर्क इस चीज़ को, मैंने वहीं पर सीखी है, तो मैंने बहुत पहले देखा था, अभी मुझे सर का याद नहीं है मुझे नाम, तो आप आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे से बताएंगे। और लेकिन हाँ, आपको छोड़ नहीं जाना, ये डिविजिबिलिटी का रूल है, ये प्राइम कंपोनेंट नंबर के क्या क्या बेसिक कंसेप्ट हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, अरे मतलब, और हाँ, लॉग के बेसिक कंसेप्ट, लॉग के बेसिक पढ़ा, लॉग का बेस 10 है और उसकी वैल्यू 10 है, मतलब ये सारे कंसेप्ट जो आपको कहाँ से अलग अलग वीडियोस में यूट्यूब के थ्रू करने, ओके 10-15 मिनट की वीडियो देखनी, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो एक वीडियो देखने से ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जिनके लिए 2-3 वीडियो आपको देख लीजिए, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, इनके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, इनके लिए दो तीन वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी, जितनी भी उस चैनल की हैं, एक टॉपिक के ऊपर मुश्किल 2-3 वीडियो मिलेंगी आपको, और तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो, कंसेप्ट की जो वीडियो है वो तो 2-3 ही मिलेंगी, उनको आप देख के 15-20 मिनट की वीडियो आपको देखनी जरूर है, ये तो मतलब वादा करके जाइए, कमेंट में बोल के जाइए यार, क्योंकि तुम लोग ना, मुझे पता है तुम ये सोचोगे 10th के एनसीईआरटी से पढ़ लिया है, मुझे पता है वो इनफ है, लेकिन हमको भयंकर पढ़ के जाना है, समझ रहे बात, और इन सब चीज़ों से आपकी बेसिक लेवल की समझ भी विकसित होती है, वो समझ विकसित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अरिथमेटिक तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये नंबर सिस्टम, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से सर्च करनी है, ये सब सर्च करोगे आप यूट्यूब पर, ठीक है जी। तो आज के लिए बस स्टडीज में तो इतना ही था, और देखिए आपको पता है आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, चैनल पे बहुत कुछ आना बाकी है, और देखिए मैं खूब कंटिन्यू रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चक्कर ये था, मतलब ज़्यादातर मेरे साथ यही रहता है कि मैं रह नहीं पाता हूँ कंटिन्यू, मतलब मैं सोचता हूँ रोज़ाना एक वीडियो डालूंगा, लेकिन बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि कुछ पर्सनल जीवन में दिक्कत भी चलती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जिससे वीडियो दूसरों के रिकमेंडेशन में जाए, लाइक करोगे वीडियो को तो, और आपको पता होना चाहिए इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए यार, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, और आपको मेरा एफर्ट कैसा लगता है इसे कमेंट में जरूर बताइए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस इतना ही है बस आपके लिए।